कार्ड नहीं है मेरे पास, उधर है मेरे पास। आई टेक आई टेक। चलो आपका नाम क्या है? करण। करण मेरे बेटे का नाम। चलो चलो हाय गाइस, तो जैसे कि आपने देखा कि काफी सारे टीवी सेलिब्रिटीज एंड जो डिग्निटरीज है हमारे साथ आज मौजूद है फ्रॉम वाई आइकॉनिक अवार्ड्स जो कि शोभा आर्य जी का है। तो अब इस वक्त मेरे साथ है कुनिका सदानंद जी जो कि मेरे काफी ज्यादा फेवरेट एक्ट्रेस है। आपने इनको देखा होगा हम साथ साथ कोयला में, ऐसी काफी सारी मूवीज है जिनमें इन्होंने एक्टिंग की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वार्म वेलकम मैम। आपके बेटे का नाम भी करण है तो बेटा समझ के माफ कर दीजिए। रब करे ऐसा ही हो मौसी जी, मेरे मोंटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी अपनी प्यारी सी बेटी के पास। आए हाय, बड़ी समझदार है मेरी मंदा पुत्र। जा छेती छेती जा जा जा। किरती सिंह साहब, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हम कुल की आखिरी निशानी भी ना खो दे। Kunika Sadanand will soon be entering Akbar Birbal and will be seen playing Akbar's mother-in-law. मैंने अभी अभी मैं थोड़ी देर के लिए आया था बिकॉज मैं तो बाहर काफी देर से रेड कार्पेट एंकरिंग कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ी देर के लिए आया था, मैंने कुछ सुना कि आप एड्स के बारे में आप कुछ अवेयरनेस फैलाती हैं, तो आप कुछ थोड़ा बता सकते हैं? जी, ये मेरा शुरुआती दौर था जब मैं सोशल वर्क शुरू किया था 25 साल पहले। तो सबसे पहले एज एन एज एक्टिविस्ट, सबसे पहले तो शुरुआती दौर में जब मैंने सोशल वर्क शुरू किया था तो 32 साल पहले की बात है। सबसे पहले मैंने एज एन एज एक्टिविस्ट, तो हम लोग दत्त साहब हमारे एनजीओ के प्रेसिडेंट थे। क्या हुआ एंसरिंग दत्त साहब एंड डॉक्टर गिलाड़ा एंड देयर वर लॉट ऑफ डॉक्टर्स। तो हम लोग जेल्स में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे, स्कूल्स में जाते थे, रेड लाइट एरिया में काम करते थे। क्या बात है। तो एंड दत्त साहब भी जाते थे, ही यूज्ड टू आल्सो और शुरू शुरू में ऐसा था कि जब मुझे कुछ पता नहीं होता था बिकॉज ऑब्वियसली मेडिकल चीजें हैं, तो मैं डॉक्टर साहब को, मैं क्या करूंगी डॉक्टर साहब, वहां जाके स्टेज पे आप मुझे बैठाए। तो डॉक्टर साहब एक्चुअली बोलते, एक बार हम जेल गए थे कोटा जेल, जो कोटा राजस्थान में, तो वहां पे सब कैदी बैठे थे। तो डॉक्टर साहब ने बोला आप इनको देखो और मुझे सुनो। तो सर आपको स्टेज पे बैठने से कम सबका ध्यान तो मेरे तरफ आता है। सो शुरू में ऐसा था, उसके बाद फिर मुझे जब सेंसिटाइज हुई मैं और मुझे सब बताया किस तरह से, देन आई विल आल्सो स्टार्ट टॉकिंग एंड गिविंग पीपल। ओके, सो जैसे कि आपने कहा कि आपका बेटा भी है और मेरे नाम का ही है, तो मैं जस्ट बहुत ज्यादा मतलब उत्सुक हूँ कि वो क्या करता है, जरा वो बताएंगे प्लीज। मेरा बेटा, उसका नाम भी करण है, मेरे दो बेटे हैं। okay. और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं 2-7 साल की ट्विंस की ग्रैंड मदर भी हूँ। मेरा बड़ा बेटा जो है उसके ऑलरेडी मतलब उसके बच्चे हैं, वो जब मैं बच्ची थी तब पैदा हुआ था, तो बहुत कम उम्र में शादी हुई थी। दूसरा जो बेटा है उसका नाम करण है, और आपकी तरह ही बदमाश है। वो ऑब्वियसली क्या करना चाहेगा आप मुझे बताओ, एक गेस देते हो। बस मेरे पेट पे लात ना मार, बस। वो भी एक्टर बनना चाहता है, और मैंने उसको 10,000 बार समझाया कि बेटा बड़ा टफ लाइफ है, कभी कभी खाने के वांदे भी पड़ते हैं। बोलता है मुझे, मम्मा मैं सूखी रोटी और चाय पी के जी लूंगा, मैं एक्टर ही बनूंगा। ये मैंने भी कहा था, आज मैं वही करूँ। लेकिन हाँ, एक्टर में बहुत डेडिकेशन, ऐसा नहीं हर फील्ड में चाहिए।
लेकिन आज हमारी फील्ड में क्योंकि इतने लोग पहले जब हम आए थे तो बहुत कम लोग होते थे और प्रोड्यूसर्स कंपटीशन बढ़ गया। अब क्या है, एक तो पब्लिक भी वही फेसेस देख के पक गई, नहीं देख पा रही है। अगर आप दो तीन फिल्में एक साथ किसी हीरो की फेस होती है तो वो चाहते हैं कि दूसरा मतलब उसकी फिल्म कुछ सालों तक नहीं है। सो अभी अपॉर्चुनिटीज भी है यंगस्टर्स के लिए, लेकिन मेरी राय सिर्फ यंगस्टर्स के लिए है। देखिए आप ये मत सोच के आइए कि भाई मैं शाहरुख खान बनूंगा या सब लोग शाहरुख खान नहीं बनते। आप ये सोच के आइए आपको अच्छा एक्टर बनना और लगे रहिए, डटे रहिए एंड मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग। मेरा बेटा है लेकिन फिर भी उसको आज तक उसको मतलब ऑडिशंस के लिए वो जाता है और उसको आज तक झटके मिलते हैं और मैं उसको कभी नहीं, मैं अपना नाम कभी सामने आगे नहीं रखती ना, मैं वो खुद ही मुझे बोलता है कि नहीं। सो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू गेट इट। बिकॉज़ क्या होता है कि तो ये लोग सोचते हैं कि वो उसके रेफरेंस से आ रहा है, इसके रेफरेंस से दैट बी। तो मैं ये नेपोटिज्म वाली बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करती हूं। लोग सोचते हैं कि भाई ये इसका बेटा है, टाइगर श्रॉफ भी अगर उसको पहला ब्रेक टाइगर श्रॉफ से एज अ राइटर मिला लेकिन उसके बाद उसको काम मेहनत मिला। अच्छा ऋतिक रोशन भी अगर राकेश रोशन जी ने उनको ये किया था सबने मेहनत किया। मैंने राकेश रोशन जी के साथ उस फिल्म में काम किया कोयला में और एक बार फिल्म थी किंग अंकल, उसमें मैंने ऋतिक रोशन को सेट पे भागते हुए देखा है दुबला पतला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो लड़का आज इतना सुपरस्टार बनेगा, मगर उसने सेट पे गर्म मेरे मेकअप रूम के बाहर खड़ा था, टाइम शॉर्ट इज रेडी, मैं तो अंदर आके बैठ जाता। नाम याद नहीं आ रहा था मुझे पिक्चरों के, लेकिन जब मैंने पिक्चरों के नाम जस्ट मैंने गूगल में जैसे आपका नाम लिया तो इट्स अ बिग थिंग। मैं ये कहना चाहता हूँ ऑडियंस से कि गूगल पे नाम आकर इतनी सारी जो मुझे डिटेल मिली इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग अचीवमेंट, वो अपने आप में एक बिग अचीवमेंट है। पहली बार मुझे 32 साल में मुझे किसी ने रिकॉग्नाइज किया, शायद ये शुरुआत है, शायद लोग मुझे पहचान देंगे। मुझे पहचान देना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर मेरे जैसे लोगों को पहचान मिलेगी तो और लोग जुड़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, और लोग जुड़ेंगे तो उन लोगों को इसका फायदा होगा। आपने अपना जो डिटेल्स दिया है उसमें आपने कहीं भी एक्ट्रेस नहीं मेंशन किया था, आपने मेंशन किया था सोशल एक्टिविस्ट, उससे मुझे पता चल गया। तो हम लोग वी वर लाइक इन्होंने एक्ट्रेस क्यों नहीं दिया, एंड जब आपके बारे में मैंने अंदर सुना तो मुझे समझ में आ गया आपने एक्ट्रेस क्यों नहीं दिया एंड आपने सोशल एक्टिविस्ट क्यों नहीं। सबको पता है, सब सामने स्टेज आप बड़े हुए मुझे देख के, आप जवान हुए मुझे देख के, आप शायद बुजुर्ग हो गए लेकिन जैसे मैं हो गई हूँ, लेकिन सोशल वर्क के बारे में लोगों को नहीं पता। संदीप को पता है, संदीप इज अ फ्रेंड एंड ही हैज सीन माय वर्क, ही नोज अबाउट आई एनजीओज एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई होप आपको अवार्ड मिल गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।